आज हम अध्याय कब कहां और कैसे के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? तो बच्चों इसका उत्तर है, वर्तमान का सही ढंग से अध्ययन करने के लिए अतीत का ज्ञान जरूरी है। इतिहास से सबक लेके हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा इतिहास पढ़कर ही हम दुनिया के देशों के बारे में जान सकते हैं एवं उनकी संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। इतिहास के कारण ही हम महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़ पाते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, काल के आधार पे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों इसका उत्तर है, काल के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से मिलती है। दूसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का प्रचलन तो हुआ पर उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य का लिखित साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अतीत की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, चर्चा करें। तो बच्चों इसका उत्तर है, अतीत की जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद ग्रंथ से, दूसरा धार्मिक साहित्य जैसे उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण एवं महाभारत, पुराण और बौद्ध एवं जैन धर्मों के साहित्य से, और गैर धार्मिक पुस्तकें जैसे चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र और कश्मीरी कवि कल्हण की रचना राजतरंगिणी से। इसके अलावा हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों जैसे स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार एवं प्रतिमाएं से भी अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत जैसे शिलाओं, खंभों, पत्थरों या मिट्टी की दीवारों, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पे उकरे गए लेख और सिक्कों से भी अतीत की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, इतिहास और तिथियों पे चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पे आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती विपरीत दिशा में होती है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसको संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में एडी के जगह पे सीई और बीसी के जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। यहाँ पे सीई का फुल फॉर्म कॉमन एरा, बीसीई का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा कहलाता है। तो बच्चों ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद।